हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश रावत एक बार फिर से हमारे चैनल SPL हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चीज बटेटो कॉर्न कबाब की रेसिपी बताऊंगा मैं आपको। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने लिया है ये पनीर है, घिसा हुआ पनीर है, ग्रिल किया हुआ है, ग्रेट किया हुआ पनीर है, ये कॉर्न है और ये चीज क्यूब्स काटी हुई है मैंने छोटी छोटी, और ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये कॉर्नफ्लोर है और ये आलू है, बॉयल आलू को मैंने मसला हुआ है, बॉयल आलू है जो मैंने पहले बॉयल करके रखे हुए हैं। और अब देख सकते हैं आप, मैं इसमें सबसे पहले डालूंगा ये आलू, ये आलू ले लिए मैंने, अब डालूंगा मैं इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, आपको जितनी चाहिए हरी मिर्च आप ले सकते हैं। अभी डालूंगा ग्रेट किया हुआ पनीर है, पनीर डाल दिया मैंने, अब इसमें डालूंगा कॉर्न जो कि अमेरिकन कॉर्न है ये, अब इसके अंदर डालूंगा मैं नमक स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं इसमें जितना आपको चाहिए, ठीक है। इसमें ये हो गया, अब मैं डालूंगा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर होता है फ्राई करे आप तो उस समय ये बिखरे नहीं, इसके लिए इसमें कॉर्नफ्लोर डालना जाता है। अब मैं इसको मिला दूंगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से मिला दें आप, और इसके अंदर आप ये व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं, स्पाइसी की ये सफेद मिर्ची है उसका पाउडर है जिससे, इसको व्हाइट पेपर कहते हैं, ये भी डाल दिया मैंने हल्का जिससे इसमें थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा ये, और इसको बड़े अच्छे तरीके से मिला दें आप, हल्का कॉर्नफ्लोर और डालूंगा मैं, कम लग रहा है मुझे, और ये बस ये हो गया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी टिक्कियां बना दूंगा, इसकी इतनी छोटी छोटी टिक्कियां बना लें आप अलग अलग, अब इसकी मैंने छोटी छोटी टिक्कियां बना ली है सबकी, ये 7 टिक्कियां बनी है। अब इसको मैं यू करके, ये चीज है, ये चीज लूंगा मैं, ये चीज को एक दो दो टुकड़े इसके अंदर डालूंगा, ये चीज इसके अंदर डालूंगा मैं, इसकी स्टोपिंग करूंगा चीज की, इसमें डाल दिया मैंने ये, इसको डाल के पैक कर दूंगा, इसको पैक कर दिया मैंने चीज डाल के, और हल्का सा मैं कॉर्नफ्लोर रखूंगा अपने हाथ के अंदर जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। ऐसे ही अपन इसे ही टिक्के बना लूंगा इसके साथ ही, चीज की स्टोपिंग करके टिक्के बना लूंगा। ऐसे मैं इसके अंदर सारी की सारी टिक्के पैक कर दूंगा, स्टोपिंग हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से पैक करें ताकि ये तेल में फ्राई करते समय बाहर नहीं आवे, कॉर्नफ्लोर अपने हाथों में रखें ताकि अपना हाथ में कॉर्नफ्लोर से ये बहुत टाइट हो जाएगा, और जब आप तेल में इसको फ्राई करें तो बाहर नहीं आवे। ऐसे मैं इस सबके अंदर चीज की स्टोपिंग कर दूंगा, इसका नाम है चीज कॉर्न कबाब जो कि बहुत बढ़िया चीज है ये, आप कभी घर पे बनाइए और आप हमें बता सकते हैं कि रेसिपी कैसी लगी है आपको, और
भी आप कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यह हमारी टिक्किया बनके तैयार हो गई है पूरी। अब मैंने तेल गरम कर रखा है इसको फ्राई करने के लिए, मैं इसको फ्राई करूंगा। ये पूरी की पूरी टिक्किया मैंने बना ली है सातों। अब इसका काम खत्म। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर रखा है फ्राई करने के लिए। अब मैं इसको फ्राई करूंगा। तेल गरम हो चुका है, ये इसको फ्राई कर देते हैं। अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, हल्के से और ब्राउन होने देंगे इसको। ये हो गया, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। आप घर पे बनाइए, बिल्कुल इसके टेस्ट कर सकते हैं, एकदम मस्त बन गए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल दूंगा मैं। ये फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। इसको एक प्लेट में निकालूंगा ये। अब इसको ग्रीन चटनी लगाऊंगा। अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दी है, ये देख सकते हैं आप, फ्राई हो गए हैं बिल्कुल कड़क। और इसके ऊपर मैं साग मसाला डालूंगा हल्का। ये मैंने साग मसाला डाल दिया, अब आप साग मसाला डाल सकते हैं। और ये भैया, अब इसको एक प्लेट में ढोकूंगा मैं। ये प्लेट सजा के रखी हुई है मैंने। आप देख सकते हैं ये अंदर चीज भी इसकी पिकल चुकी है। ये चीज भी रेडी है इसके अंदर, देख सकते हैं ये चीज पिकल गई है और ये एकदम रेडी है। ये रख दिए मैंने। अब इसको टमाटो केचप के साथ में, टमाटो केचप डाल दूंगा मैं साइड में। ये आपके कॉर्न कबाब रेडी हैं और आप बिल्कुल घर पे बनाइए और टेस्ट करके मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को SPL हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई रेसिपी सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों, तब तो